पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने पीएम मोदी की मुहिम में जुड़कर भारत को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। देखने को मिला कि दशहरे के दिन कांदीवलीपुर में ठाकुर विलेज में बच्चों के साथ मिलकर गंदगी को साफ किए। इस मौके पर बीजेपी नेता आशीष सेलार के हाथों नारियल तोड़कर गार्डन से शुभारंभ किया गया सफाई का, जहां पर रमेश सिंह ठाकुर, विनोद शुक्ला और साथ ही ठाकुर कॉलेज के बच्चों ने उनके साथ मिलकर खुशी के साथ गली, रोड और गलियों को साफ करते नजर आए। क्या कुछ कहना था विनोद शुक्ला और रमेश सिंह ठाकुर का, देखे मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। देखो, एक ऐसे एक चीज़ है जो स्वच्छता अभियान है कि जिस तरह से हमारे सबसे पहले लीडर लोगों में महात्मा गांधी जी ने जो अभियान चलाए थे, उनकी जो थ्योरी थी एक अलग थी थ्योरी। उन्होंने जब अपने देश की गरीबी देखी थी, जब बाहर के लोगों को देख के अपने देश की गरीबी देखने में सिर्फ एक धोती के ऊपर पूरी शरीर अपनी ढकते थे, और स्वच्छ साफ सफाई का अभियान उन्होंने चालू किया था शुरू से। ये जो 2 अक्टूबर आ रहा है महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में, जो साफ सफाई का, ठीक हमारे आज महानगर बॉम्बे में हर एक चीज़ की समस्याएं बहुत हैं। डंपिंग की समस्या है कि जगह नहीं मिल रही है, जितने भी गार्बेज ऐसे होते फालतू पड़े रहते, कोई साफ सफाई नहीं होती, उससे हर एक चीज़ की बीमारियों की संभावना, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए भी वो रहता है, नुकसानदायक रहता है। एक जो हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो पंडित दीनदयाल के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता मुहिम चलाई है, एक जागरूक करें कि जिस तरह से हम लोग पहले करते थे अपने घर की साफ सफाई, खुद अपने हम लोग करते थे। कभी एक टाइम था कि कहीं पर रोड नहीं है, कहीं कुछ नहीं, तो ऐसे ही मिल के सभी लोग श्रमदान करते थे। तो हम लोग एक श्रमदान करें, जैसे कि एक माहौल फैलाया जाए कि सही भाई सब लोग अपनी अपनी जगहों को साफ सफाई रखो, अपने घरों को साफ सफाई रखो, कि दूसरे के भरोसे मत बैठो, अपने से आप अपना खुद का देखो। एक वो एक्सीडेंटल हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी का कुछ है नहीं। एक अफाज चीज़ एक ऐसी है कि जिसमें हम वो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नवरात्र का दिन, माता जी का दिन था, हर एक माँ बाप को ये रहता कि हमारा बेटा गया खुशी से घर आएगा। अब उस हादसे में, अब उसे काली कहा जाए तो मैं मान सकता हूँ काली था, जो बारिश आई थी 10 मिनट की बारिश थी, पूरा काल लेके आई थी, उतने में करके चली गई, फिर बारिश दोबारा आई नहीं, जो कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, न कहीं पे ब्रिज टूटा है, न कुछ हुआ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तत्व थे, जो देखो अगर वो बाहर की रेलिंग पे खड़े थे, कहीं ना कुछ ऐसे असमंजस लोग थे जो इन लोगों ने अफवाह फैला करके सब एक्सीडेंट हो चुके। मुंबई वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, और जिस तरह से जो महात्मा गांधी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उपदेश है, उस चीज़ में अपना सभी लोग हाथ बटावें कि जिससे हमारे मुंबई महानगर जो है वो साफ सफाई में अपना ध्यान दे, खुद का काम अपने खुद से करें। जितनी जागरूकता लाएंगे उतने हमारे यंग जनरेशन जो है उस चीज़ में आएंगे, नहीं तो हमारी यंग जनरेशन ऐसी है कि आने वाला दिन जो आएगा वो हमारी यंग जनरेशन पंगू बन जाएगी, न तो चल सकती है न तो कुछ, खाली अंगुली के ऊपर काम करेगी। तो मैं चाहूँगा वो अपना कर्म अपना खुद से करें, यही हमारी शुभकामनाएं। ये कहना चाहेंगे कि अभी तो मैं आपको बता दूँ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के माध्यम से ये स्वच्छता अभियान, साथ में प्लास्टिक के लिए जागरूकता का अभियान जो इससे नुकसान हो रहा है, ये रावण दशहरा के दिन जो जलाते हैं, ये रावण क्या है, ये हमारे अंदर की जो नेगेटिव वृत्तियां हैं, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, उनको मार करके सकारात्मक वृत्तियों के द्वारा राम को प्रतिष्ठित करना है, जो राम की जो भावना थी, करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, प्रेम। तो आंतरिक प्रदूषण को दूर करना है और बाहरिक प्रदूषण को दूर करना है। जब तक आंतरिक प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर नकारात्मक ये छा गई हैं, तो जब तक हम बाहर के उसको नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आज दशहरे के दिन इसको चुना, और लोगों को ये संदेश जा सके कि जो रावण बाहर नहीं है, रावण हमारे अंदर ही है,
और इस तरह से छुपके बैठा है भैंस बदल करके, उसको हमको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। हम बाहर ढूंढने चल रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे कि कस्तूरी का मृग होता है ना, वो भटकता रहता है लेकिन उसके अंदर ही वो चीज़ नाभि के अंदर रहती है। इसी तरीके से हमने ये मुहिम उठाई है, क्योंकि मैं ये हमारा मुद्दा जो प्लास्टिक का, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच 5 विषयों को लेकर कार्य कर रहा है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है और आध्यात्मिक उन्नति। तो मेरे अष्टांग योग साधना खाली योगा नहीं, शरीर ही नहीं है, उसके साथ मन भी है, आत्मा भी है। तो दीनदयाल जी ने जो कहा था, शरीर मन बुद्धि आत्मा, इन तीनों को संतुलन करना है, इन तीनों को पुष्ट करना है, और आज के बच्चों को यही डायरेक्शन देना है कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इसके बारे में बताते हैं, अंदर के प्रदूषण के बारे में बताते हैं और बाहर के प्रदूषण में बताते हैं। और रावण के रूप में जो प्लास्टिक छाता जा रहा है, आने वाले कल में सारे जानवरों को निगल रहा है, हमारी गाय माता को निगल रहा है, मछलियाँ जा रही हैं, सारे पेड़ पौधे और मनुष्य सब नष्ट होते जा रहे हैं, और इससे हम बहुत अनभिज्ञ हैं। आज के दिन मेरा यही संदेश है कि जल्दी से जल्दी जागृत हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, देश ही नहीं ये पूरा प्लैनेट, ये पूरी पृथ्वी माँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये माँ है, ये सबकी माँ है, और इसको घायल हो रही है, इसको बचाना है। आज के दशहरे के दिन यही संदेश है कि अपने अंदर राम को प्रतिष्ठित करें और रावण को मारें। भी कम से कम मैं समझता हूँ कि 300 के करीब लोग होने चाहिए, और 300 के लोगों में सब में एंथुजाइज़म है। हमारा आज की तारीख में कहूँगा कि जो आज का हमारा यूथ है बहुत जागरूक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत बुद्धिमान है, उसको कहीं किसी तरीके से आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो दिल से जुड़ता है, उसको दिल से मालूम पड़ेगा कि ये दिल से काम कर रहे हैं तो दिल से जुड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ आज की जनरेशन के लिए कि जो प्लैनेट अर्थ है, जो हमारी माँ है, ये आने वाले किसके लिए है, ये भविष्य किसके लिए है? अगर हम जाते हैं, बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कंक्रीट जंगल से, कहाँ जाते हैं? कहीं झील का किनारा हो, कहीं हरे भरे जंगल हो, कहीं गार्डन हो, लेकिन चारों तरफ प्लास्टिक मिले, नदियों के किनारे प्लास्टिक मिले, जू जाओ तो वहाँ पर प्लास्टिक भरा हुआ रहेगा। तो आने वाले कल में हम कौन सी दुनिया इनको देना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को? तो बच्चों को खुद ही संभालना होगा। तो हम तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों को भी जागृत कर रहे हैं। और आज यही है कि ये रावण को मार करके, जो प्लास्टिक का रावण हमारे अंदर जो भार छा गया है उसको मार रहे हैं, और हमारे अंदर जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनको भी मार के उन पर विजय प्राप्त करके सही मायने अपने हृदय के अंदर राम बनाना है। तो राम मंदिर, मन के अंदर राम बसते हैं, तो मंदिर हमारे मन के अंदर है, मन के अंदर उस ईश्वर को प्रतिष्ठित कर रहा है, ये मेरा कहना है। मेरा नाम अंकित जयनाथ यादव, ठाकुर कॉलेज ठाकुर। अच्छी मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज, साफ सफाई करके वातावरण देखिए कितना अच्छा हो गया है, साफ सफाई, कचड़ा जमा था जो सब हमने साफ किया, और उनको भी हम बोल रहे हैं कि मतलब कचड़ा साफ करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यही तो चेंज है, यही तो चेंज है, यही कुछ नया है, हमें कुछ करके दिखाना है। त्यौहार के दिन हम आए, कचड़ा साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं हम, हमें इस पे गर्व है, हम अपने अंदर के छुपे हुए रावण को निकाल रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। जिस तरह से आप एक युवा है और युवा से बड़ी बातें कोई नहीं, सब बोलते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे, बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो क्या ये चीज पहले भी नजर आता था, स्वच्छता या अब नजर आने लगी है? नहीं, स्वच्छता तो जब से मोदी जी ने कहा, तो मतलब उसके पहले कुछ लोग करते थे लेकिन वो उतना दिखता, लेकिन जब मोदी जी ने जैसा नेतृत्व किया उसका, उसके बाद से जो मुहिम छेड़ दी उन्होंने कि हमें 2022 तक या जब तक हमें पूरे भारत को स्वच्छ करना है, तो उसके बाद से और लोगों ने मतलब दिखाना शुरू किया जागृति, और मतलब सब ने मोदी जी के सब फैन, आप भी है, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उन्होंने, हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो उसके बाद से जब से उन्होंने नेतृत्व किया तो हमें भी अच्छा लगने लगा, लेकिन ये अच्छा लगता है करके कि सब हर जगह साफ़ सफाई रखो, आप भी अगर जहाँ साफ़ सफाई रखे उधर ही, जैसा सर ने बोला कि अगर हम यहाँ से मतलब कंटाला आ जाता है, जैसा हम सीमेंट के घरों से, तो हम छुट्टियाँ मनाने कहीं बाहर बीच के यहाँ या तो गार्डन इसी जगह जाते हैं, और अगर वहाँ भी हमें ये प्रदूषण मिले तो फिर मतलब नहीं है। मेरा नाम है कुंदन यादव, और मेरे लिए सबसे पहले देश आता है, देश के बाद मेरा घर आता है, उसके बाद मैं आता हूँ, सबसे पहले मेरा देश महत्व है। और मेरे आसपास मैं कभी कभी जाता हूँ तो थोड़ा गंदगी दिखता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ना ही किसी को पसंद आना चाहिए। हर किसी को अपना आगे बढ़ना चाहिए, उसको साफ़ करना, ना दूसरे को नहीं कहना चाहिए देखो आपने कचरा किया है, पहले खुद साफ करो, बाद में उनको बोलो कि आपने ये कचरा किया है। हमें और हर एक नागरिक को ये करना चाहिए,
और हर किसी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। देश बचाओ, प्लास्टिक बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ।